नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोंटेकारटेफ टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मोंटेकारटेफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मोंटेकारटेफ टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मोंटेकारटेफ टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोंटेकारटेफ टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। मोंटेकारटेफ टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन फेक्सोफेनाडीन 120 mg और मोंटेलुकास्ट 10 mg होता है। फेक्सोफेनाडीन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मोंटेलुकास्ट अस्थमा की वजह से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदि लक्षणों को नियंत्रण करने व रोकने में मदद करती है। मोंटेकारटेफ टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर, सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मोंटेकारटेफ टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए मोंटेकारटेफ टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर, क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी मोंटेकारटेफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर मोंटेकारटेफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मोंटेकारटेफ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मोंटेकारटेफ टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स मोंटेकारटेफ टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोंटेकारटेफ टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मोंटेकारटेफ टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को मोंटेकारटेफ टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। मोंटेकारटेफ टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मोंटेकारटेफ टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोंटेकारटेफ टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोंटेकारटेफ टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में मोंटेकारटेफ टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मोंटेकारटेफ टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि मोंटेकारटेफ टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को मोंटेकारटेफ टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। और स्तनपान करा रही महिलाओं में मोंटेकारटेफ टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मोंटेकारटेफ टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मोंटेकारटेफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।